करपात्री महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माइक उठा लीजिए हाथ में और जरा मुझे ये बताइए कि आज आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद लगाए थे, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जनवरी 2019 में सुनवाई करेंगे, तब आप लोग क्या कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनवरी 2019 में सुनवाई करेगी, ये विपक्ष के लोगों की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, ये लोग साजिश रच रहे हैं ताकि इलेक्शन के पहले ये कोर्ट फैसला ना दे सके। हम अयोध्या वासी हैं, राम जी हमारे अयोध्या के हैं, हम कोर्ट का फैसला सुनते सुनते हम परेशान हो गए, हमारा धैर्य टूट गया है। अब हम अयोध्या वासी कोर्ट के फैसले का कोई सम्मान नहीं करेंगे और 2019 के बाद मोदी से निवेदन करेंगे, जोगी से निवेदन करेंगे, जोगी से कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री रहो या न रहो, कल्याण सिंह की तरह एक बार आदेश दे दो कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो जाए, चाहे मंत्री पद रहे चाहे ना रहे। हम साधु संतों का सम्मान है, हम साधु संतों के भगवा रंग लगाए हैं, हम विवेकानंद जी के स्वरूप हैं, हमने विवेकानंद भगवा पहना है, अयोध्या में राम जी का है। कुछ मुसलमान भाई ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर बनाया जाए, तो मैं उन मुसलमान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे आदेश करो कि मक्का में थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, हम वहां राम की जन्मभूमि बनाएंगे। यदि आप मक्का में नहीं देना चाहते हैं तो पूरे अयोध्या में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, ये बाबर आक्रांता था, बाबर आतंकवादी था, बाबर लुटेरा था, बाबर का समर्थन करने वाले लोग आतंकवादी हो सकते हैं, हिंदुस्तानी खिलाफत हो सकते हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं हो सकते हैं, हिंदुस्तान के सच्चे मुसलमानों हैं। अभी आपने दनिजाम देखा होगा, कम से कम 15 अयोध्या की मेरी मुसलमान की बेटियों ने आंख में आंसू भर करके परमहंस दास के यहाँ बैठ करके इन्होंने हवन किया है, आहुति दिया है। उन मुसलमान की बेटियों की आंखों से आंसू आ रहा था कि राम मेरे बेटे हैं, राम मेरे दुलारे हैं, राम मेरे लायक। अयोध्या में जो मुसलमान की बेटियों की आंख से आंसू निकल रहा है और रंग महल में एक गाय जो है परिक्रमा कर रही है राम के जन्मभूमि में, ये विश्वास हो गया है। मैं जोगेश निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आप चाहे जहां भी हो, एक बार इस भगवा का इज्जत रख दो और अयोध्या में आदेश कर दो कि यहां पे राम जन्मभूमि बने। मुख्यमंत्री का पद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है अयोध्या में। आप जो बातें कह रहे हैं, भाषण सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपने बातों बातों में कह दिया कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करेंगे। हम धैर्य टूट चुके, कब तक सम्मान करें? बहुत ही समान हो गया, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से, बिलकती मांग है अभी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है फिर भी हिम्मत ना हारे, नहीं आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई, कार सेवकों की सच्ची श्रद्धांजलि हम अयोध्या के साधु महात्मा बुला नहीं सकते हैं। राम आस्था के विषय हैं, राम इज नॉट गाइडिंग द सेंस ऑफ इंडिया बट टेल द यू कैन से राम मींस राष्ट्र, मां मींस मंगल, राम मतलब राष्ट्र होता है, मां मतलब मंगल होता है, जो राष्ट्र के मंगल का कल्याण करे वो सब कार्य सेवक हमारे राम के समान है, उनकी वंदना होना चाहिए, उनका अभिनंदन होना चाहिए। शरद शर्मा जी, आप लोगों का समर्थन है, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते अब कोर्ट वोट में। आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, हमारे पूज्य संत हैं और ये पूज्य संतों की बाड़ी है, वो दुखी हैं कि आज रामलला जो है वो टाट में हैं, इसलिए उनका दुख ये व्याप्त हो रहा है और वो व्यग्र हैं कि किस प्रकार से मंदिर बनना चाहिए। तो जिसकी सरकार बनवाई थी उस पे दबाव बनाए ना, कोर्ट का अपमान करने की बात क्यों करते हैं? कोर्ट का अपमान वो नहीं कर रहे, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी सभी मान्यता है, उसको सब मान्य कर रहे हैं और वहां पर दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो ये सभी चाहते हैं। ये एक आम संत या हमारे संत की पीड़ा है कि किस प्रकार से अयोध्या रक्त रंजित हुई, इसके बाद भी जो है रामलला जो है अपने दिव्य और भव्य मंदिर में नहीं जगह पा रहे हैं।